विश्व विख्यात शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर में श्रावण अष्टमी नवरात्रों को लेकर मंदिर ट्रस्ट की एक अहम बैठक की गई। ज्वालामुखी में श्रावण अष्टमी नवरात्र मेले 1 से 10 अगस्त तक आयोजित किए जाएंगे, जिसकी अध्यक्षता राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष रमेश दोभाला व SDM ज्वालामुखी अंकुश शर्मा ने की। विश्व विख्यात शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर में श्रावण अष्टमी नवरात्रों को लेकर मंदिर ट्रस्ट की एक अहम बैठक आयोजित की गई। ज्वालामुखी में श्रावण अष्टमी नवरात्र मेले 1 अगस्त से 10 अगस्त तक आयोजित किए जाएंगे, जिसकी अध्यक्षता राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष रमेश धवाला व SDM ज्वालामुखी अंकुश शर्मा ने की। इस बैठक में श्रावण अष्टमी नवरात्रों में हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाहरी राज्यों से ज्वाला माँ के दर्शनों के लिए आते हैं। उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था, लंगर की व्यवस्था व अन्य व्यवस्थाओं पर गंभीरता से चर्चा की गई। इस संदर्भ में राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष रमेश धवाला ने बताया कि ज्वालामुखी मंदिर में आने वाले श्रावण अष्टमी नवरात्रों में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी प्रबंध कर लिए गए हैं और सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी श्रद्धालु को दर्शनों के लिए कोई परेशानी ना हो। उन्होंने सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि एक कमेटी बनाई गई जो पूरे हिमाचल प्रदेश के मंदिरों का दौरा करेगी, वहां पर क्या व्यवस्थाएं हैं, उनके मंदिरों में कैसे कैसे विकास कार्य हो रहे हैं। शासन की और हमारे जो ट्रस्टी हैं उनकी मीटिंग रखी गई थी और आने वाले जो नवरात्रे हैं, जो जो यहां पे समस्याएं हैं, उन समस्याओं के समाधान के लिए आज बड़े विस्तार से समीक्षा जो वो की गई है। अधिकारियों को, कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है ताकि यहाँ पे ट्रैफिक व्यवस्था, यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था, यहाँ पानी की व्यवस्था जो है, सारी समस्याओं को यहाँ पे डिस्कस किया गया और इनका समाधान जो है वो सारे की सारी जो यहाँ पे प्रस्तावना जो रखी थी उस सभी विषयों पे चर्चा हुई है और वो आने वाले नवरात्रि जो है वो किसी भी किस्म की कोई समस्या जो है वो मंदिर में नहीं होनी चाहिए, ऐसी विस्तार से चर्चा की गई और एक ऐसी कमेटी बनाई गई है। कमेटी जो है वो हिमाचल प्रदेश के मंदिरों में जाएगी, वहाँ क्या व्यवस्था है, उनके कैसे कैसे विकास के काम हो रहे हैं, वहाँ पे व्यवस्था उनकी क्या है, इस सारी व्यवस्था को देखने के लिए हमारी एक टीम जो है वो पूरे हिमाचल प्रदेश के मंदिरों में जाएगी और ताकि वहाँ क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, उस पर उसको जो है वो देख करके हमारे लोग जो है वो आएंगे। तो इतना आज जो है वो सारे के सारे जो विषय थे उनकी ऊपर चर्चा की गई और सारी की सारी जो समस्या नवरात्रों में हमें आने वाली हैं उन समस्याओं के समाधान के लिए यहाँ पे विस्तार से चर्चा की गई। धन्यवाद। SDM अंकुश शर्मा ने बताया कि इन श्रावण अष्टमी नवरात्रों में बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा की सभी इंतजाम कर लिए जाएंगे, जिससे किसी भी श्रद्धालु को कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़े। इन नवरात्रों में बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर से बेहतर सुविधा प्रदान की जाएगी। देखिए जी, आज हमने जो भी नवरात्रे पहली अगस्त से 9 अगस्त तक होंगे उनके बारे में डिटेल में चर्चा करी है सारे के सारे ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के साथ। इनफैक्ट यहाँ के लोकल विधायक और उपाध्यक्ष, प्रदेश प्लानिंग बोर्ड जो है धवाला जी, वो भी यहाँ पे हमारे बीच उपस्थित थे। कुल मिला के सहमति ये बनी है सबकी कि हमारी ये कोशिश होगी कि जो भी श्रद्धालु बाहर से आए उनको बेहतर सुविधा और व्यवस्था प्रदान की जाए और उसके बारे में काफ़ी सारे बिंदुओं पर चर्चा हुई है और मुझे उम्मीद है कि ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर जब इकट्ठे मिलके और पब्लिक इंटरेस्ट में काम करेंगे तो हम जो भी हमने चर्चा करी है उसके ऊपर हम एक बेहतर व्यवस्था दे पाएंगे।